हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा तुम बिन टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, वो भी डे वन के, यानी कि एक दिन अब हो चुके हैं फिल्म के रिलीज को लेकर। और जहां तक मैंने प्रेडिक्शन किया था कि ये फिल्म 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक कमाएगी, तो अभी तक उसके हिसाब से भी इस फिल्म का कलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि फिल्म की जो ओपनिंग हुई है काफी पुअर हुई है। पहले दिन का जो कलेक्शन आया है वो सिर्फ 60 लाख है। जी हाँ, 60 लाख इस फिल्म ने कमाया, यानी कि पहले दिन 1 करोड़ भी फिल्म ने नहीं कमाया, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि इस फिल्म का क्या हश्र होने वाला है। और आने वाले दिनों में इसके जो कलेक्शन शायद थे काफी और ज्यादा गिरेंगे। इसके कई सारे रीजंस हैं, एक तो फोर्स टू के साथ इसका इसकी टक्कर, उसके अलावा फिल्म में 2-3 फिल्में और बॉक्स ऑफिस पर चल रही, शिवाय एदिल है मुश्किल, रॉक ऑन 2, और उसके अलावा डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी वाला मुद्दा, और ऊपर से फिल्म का जो एक कोर थीम था जो तुम बिन वाला था, वो फील नहीं आया ऑडियंस को इस फिल्म में। तो वो एक मतलब उसका नेगेटिव पॉइंट है इस फिल्म का, शायद इसलिए ऑडियंस को ये फिल्म पसंद नहीं आई। और यही एक रीजन था आई थिंक जो लोग शायद इस फिल्म की ओर रुख नहीं करे ज्यादा। और जो ऑक्यूपेंसी आई है अभी तक इस फिल्म की, यानी कि जो लोग देखने गए उसके परसेंटेज आपको बता दो, यानी कि 100 में से सिर्फ 8 से 10 लोग देखने गए इस फिल्म को, यानी कि 8-10% ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की पहले दिन की देखी गई है। और इस फिल्म का जो बजट है 15 करोड़ ही है, तो मेकर्स को उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि करीबन करीबन जो 12 करोड़ है ऑलरेडी फिल्म ने कमा ली है सैटेलाइट राइट, म्यूजिक राइट और डिजिटल सेल राइट से, तो फिल्म को ज्यादा दिक्कत तो नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि फिल्म एक बड़ा कलेक्शन करने में अब कहीं ना कहीं काफी उसे दिक्कतें आएगी। तो कुछ और बॉलीवुड खबरें बात चलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा। और आपने अगर तुम बिन टू देखी तो आप मुझे उसके बारे में जरूर बता सकते हैं, और आपको ये कलेक्शन के आंकड़े कितने सही लगे आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि कलेक्शन के आंकड़े काफी ज्यादा अलग अलग वेबसाइट्स पे है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉपर कलेक्शन है मेरे हिसाब से, तो मैंने इसलिए आपको ये कलेक्शन बताया। चलिए, कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चली तो आपको जरूर बताते रहूंगा इसी तरह। तब तक के लिए बाय।